और एक्सेप्ट कीजिए इस बिजनेस को, शर्माने की जरूरत नहीं, एक्सेप्ट कीजिए। जब तक आपको अपने काम के ऊपर डाउट होगा, जब तक आपको अपने ऊपर डाउट होगा, जब तक आपको अपनी कंपनी के ऊपर डाउट होगा, जब तक आपको अपनी अपलाइन और डाउनलाइन के ऊपर डाउट होगा, डाउट से कभी जीवन नहीं चलता दोस्त। और कोई भी काम आप किस लिए करते हैं? पहला जरूरत, दूसरा शौक, तीसरा मजबूरी। अगर ये बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आप जरूरत के लिए कर रहे हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट आने वाली नहीं है। अगर इसको शौक के लिए कर रहे हैं तो बहुत बड़ी अचीवमेंट आने वाली नहीं है। इसको मजबूरी में कर रहे हैं तो बहुत बड़ी अचीवमेंट आने वाली नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने ड्रीम लिखे हैं, आप सपनों के लिए इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो ये बिजनेस चलेगा। ये ड्रीमर्स लोगों का बिजनेस है, ये सपने पूरे करने का बिजनेस है। जो चीज आपके रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी ये कह रहे हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो 2 साल में 10 लाख रुपए की गाड़ी लेगा, समझ लीजिए अब इस बिजनेस में आप कामयाब होंगे। अगर वो विजन, वो ड्रीम आपने लिख लिया कि ये गाड़ी तो अब लेनी है जो आपके काम से नहीं आ सकती दोस्त, लेकिन यहां से आ सकती है, बहुत सारे लोग ले चुके हैं। तो चेक कीजिए कि इस बिजनेस को जरूरत के लिए कर रहे हैं, शौक के लिए कर रहे हैं, मजबूरी के लिए कर रहे हैं, या सपने पूरे करने के लिए कर रहे हैं। और जिसके सपने बहुत बड़े होते हैं ना, फिर उसको चैलेंज नजर नहीं आते हैं। जिसके सपने बहुत बड़े होते हैं फिर उसको चैलेंज नजर नहीं आते मेरे दोस्त। लेकिन जिनके सपने बहुत छोटे होते हैं, या होते ही नहीं है, या जिनको अपने सपनों पे भरोसा होता ही नहीं है, या जिनको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, इतना सा भी चैलेंज आ जाएगा ना, वो बैक टू द पवेलियन हो जाएगा, छोड़ देगा इस बिजनेस को। एक मीटिंग में गया था, एक लीडर ने बोला था कि जब आपके पैर में एक कांटा चुभ जाता है तो क्या करते हो? तो लोगों ने बोला कि उसको बाहर निकालते हैं। तो बाहर निकालने का प्रोसेस क्या होता है? फांस, थोड़ी सी फांस अगर यहां उंगली में चुभ जाए, यहां चुभ जाए, तो क्या करते हो? तो किसी ने जवाब दिया, उसको निकालने के लिए सुई का या कांटे का सहारा लेते हैं। यानी कि एक बहुत मामूली सी बाल बराबर फांस अगर उंगली में चुभ जाती है, उसको निकालने के लिए उससे बड़ी सुई अंदर डालनी पड़ती है, जब जाके वो फांस निकलती है। तो हमारी जिंदगी में जो गरीबी की फांस है ना दोस्त, जो चैलेंज, जो दिक्कत, जो परेशानी हमारी जिंदगी के अंदर है ना, उन दिक्कतों को निकालने के लिए कुछ बड़ी सुइयां तो सर हमें अपने शरीर में चुभवानी पड़ेंगी, तब बाहर निकलेगी, तब बाहर निकलेगी। घर छोड़ना पड़ेगा, लिस्ट बनानी पड़ेगी, प्रोडक्ट परचेज करना पड़ेगा, मीटिंग ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, लोगों के सवाल किस तरीके से, जवाब किस तरीके से दिए जाते हैं सीखना पड़ेगा मेरे दोस्त, तब बिजनेस चलता है। स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। आज भी इस मीटिंग में बहुत सारे लोग आए होंगे, कोई ऐसे देख रहा होगा, कोई ऐसे देख रहा होगा, बैठिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपका घर है, बहुत अच्छी बात है, मेरा भी घर है, मैं आराम से बैठा हूं, तो मैं भी तो सेंडो में मीटिंग, सेंडो बनियान पहन के मीटिंग दे सकता था मेरे दोस्त। लेकिन नहीं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपको पता नहीं है, जब आप सेमिनार में जाओगे तो आपकी डाउनलाइंस वहां पे होगी, तो आपकी डाउनलाइंस आपकी एक एक हरकत को चेक करेगी, इंसान कैसा है, ये मीटिंग में जा रहा है ध्यान से सुन रहा है नहीं सुन रहा है, ये मीटिंग में जा रहा है सो रहा है या क्या कर रहा है, इसकी बातचीत करने का तरीका क्या है, ये लोगों से किस तरीके से बातचीत करता है, एक एक चीज लोग चेक करते हैं। इस जूम मीटिंग में आपकी डाउनलाइन आती होंगी, वो चेक करते होंगे, मेरा अपलाइन आया नहीं आया, मेरा अपलाइन आया नहीं आया, और आपने डाउनलाइन को लिंक भेज दी और आप मीटिंग के अंदर नहीं आए, तो क्या मेरा अपलाइन ही नहीं आता तो मैं भी क्यों। एक्सेप्ट कीजिए, ड्रीम्स के लिए काम करना है दोस्त, सपने पूरा करने का बिजनेस है। सपने पूरा करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, सपने पूरे करने में तो दोस्त कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। 4-5-10 दिन, 1-2 महीना, साल भर में सपने पूरे नहीं होते दोस्त, 2-3 साल तो देने पड़ेंगे।